47 सेवन को देखने और सुनने वालों को शाहिद दरवेश का सलाम नाजरीन जैसा कि आपको पता है कि की सान्याबाद के बाद चंद नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई थी जिनमें अवामी वर्कर्स पार्टी के सीनियर लीडर बाबा जान साब भी शामिल थे तकरीबन तो 10 साल बाद उनकी रिहाई हुई है तो हम उनसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो आइए नाजरीन इंटरव्यू जनाब सीनियर लीडर आवामी वर्कर्स पार्टी बाबा जान सा हम हंजर ट्वेंटी फोर सेवन पर आपको कहते हैं। बहुत मेहरबानी मैं हंजर ट्वेंटी फोर सेवन को सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए हमारा मौक़ुफ़ सुनने के लिए हमारा हाल अहवाल जानने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर हम आपको नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पाने के बाद और 10 साल बाद जेल से रिहाई पाने पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं बहुत मेहरबानी इस मुबारकबादी का सहरा मीडिया को यहाँ मुल्क भर के कामरेडों को आज़ाद कश्मीर के कामरेडों को गिलगित बल्लिस्तान के इनकलाबियों को और आवाम को जाता है जिन लोगों ने धरने दे के यहाँ हमें रहा रहाए, हमारी रहाई मुमकिन बनाई सर जेल से रिहाई और अपनों के दरमियान खुद को पाके आप कैसे फील कर रहे हैं यहाँ पे जेल से रिहाई के बाद आपको पता है हमारे बूढ़े वालिदैन होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे हमारे यादें वाबस्त होती हैं फिर वो हमसे प्यार करते हैं हम प्यार करते अपने बड़ों से तो उनके बीच में पा हम बहुत ही जो है मुतमिन हुए बहुत हम अच्छा महसूस हुआ सर अगर हम बात करें तो बाबाजान इस वक्त गिलगित बल्दिस्तान के लोगों खूस नौजवानों खतान और बच्चों में उम्मीद शुज़ात, दिलेरी व बहादुरी का एक सैम्बल बन गया है हर जगह हर गली और हर सड़क पर नौजवानों और खूस बच्चों की ज़ुबानों पर आपकी पार्टी का वो मशहूर गाना बाबा जान नदी बैल सखी फर्स नगुंदू और जजिर नितन उन हिरच मजा दिसम के बाबा जान गज रहा है जेल की मसाइब तो अपनी जगह लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर आप जेल नहीं जाते तो आप इतने बड़े असम्बल या लीडर बन जाते इसमें हम कई सालों से ये तहरीकें चलाते हैं और हमें कोई बड़ा लीडर बनने के लिए हम तहरीक नहीं चलाते हैं यहाँ इलाके के अंदर जो महकूमियाँ हैं जो मजलूमियत है यहाँ जो तिहत्तर सालों से यहाँ बुनियादी इंसानी माशी आइनी सियासी हकूक़ से महरूम ये पूरा ख़त् चला रहा है फिर उसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर अशराफिया का कब्ज़ा है यहाँ मजदूर दर है गरीब तबका दर है मजलूम अकवाम दर पदर फिर रहे हैं तो इन सब के साथ मिलकर हमारा एक स्ट्रगल था हम ये इतना समझते नहीं थे जितना प्यार मोहब्बत और लोगों की तरफ से हमें वालहाना इस्तबाल हमें मिला लोगों की जुड़त हमारे एक साथ हो गई हम इसका अशर अशीर तक नहीं सोचते थे हम अपनी कोई बड़ाई के लिए अपनी कोई प्रोजेक्शन के लिए नहीं करते थे ना अभी ऐसा हम करते हैं इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली हो गई जिन लोगों ने इस मकसद के लिए हमें जेल में डाला कि हम बाबू जान जयसू को जेल में डालें उनको और उनके साथियों को जेल में डालें और इन पर तरह तरह के अजियतें दे के अकूबत ख़ानों में उनको कभी भूखा रखे कभी दवाई दे के कभी नहीं देखे तो इस तरह रखें और इनको हम निशान इबरत बना के आवाम को नौजवानों को पेश करें मतलब ालिम ख़तु ने हमारे ऊपर जूठे मुकदमत बनाए और इस उनका मकसद के तहत उन लोगों ने हमें जेल में डाला मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आज हक़ का आलम थामने वाले सच का साथ देने वाले हक़ के साथ देने वाले बहुत सारे बबजान हर घर में बबाजान इन लोगों ने पैदा किया इसलिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ उन ालिम खतु को, को भी सर आपने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आपने नकर्दगुनाहों की सजा पाई है यानी जिस वक्त ये वाकया रोनुमा हुआ आप उस वक्त मौजूद ही नहीं थे फिर किस बुनियाद पर आपको ये सजा दी गई यही ऐसी बात है बदक़स्मती से सत्तर सालों बाद आज आपका आ, ये जो मकतदर हलके हैं मुल्क के उन लोगों ने मैं नाम बताऊँगा जी चाऊ के अंदर जलगित बल्दिस्तान को हकूक़ देने के हवाले से बात की जा रही है तमाम सियासी पार्टियों का वहाँ एक इज्तिमा बुलाया जाता है तो ये हमारी फ़तह है हम पहले से बोलते थे उसमें मुकामी कुछ लोग खौफज़दा होते हैं कि ये गरीब गिराने से जो हक का साथी हो सच का साथी हो मज़लूम की बात करे मज़लूम के साथ रहे साथ दे ऐसा आदमी आके कहीं हमारे मुकाबले में कहीं ये कमज़ोर इसम्बलियाँ हैं जो गिलगित बल असम्बली है तो ऐसे असम्बली में ये कहीं नुमाइंदगी हमसे न छीन ले उस लिए मुख्तल कवेंख्तलफ़र के जरिए हमें जेलों में डाला गया उस वक़्त जो 11 अगस्त 2011 को एक वाक़ा हुआ उसी वाक्य में मैं गुलमद नगर में, में शिनाकी की हंजा और शिनाकी नगर में एक अवमी इजमा के अंदर दरमियान स्टेज पर बैठा हुआ था अकाबरीन के साथ अब उन लोगों ने मुझे एफ आई आर में नामजद किया हंजा में एक वाक़ हुआ उस वाक्य में इन लोगों ने मुझे नामजद किया नामजद करके फाय आर काटी मेरे ऊपर झूठी है फाय आर काटी और मेरे खिलाफ़ झूठे गवाह पेश किए गए और गवाहों का बयान भी बिल्कुल तजाद था मुतजाद बयान थे कंट्राडक्शन था उस केस में वो हकूमत ने जो केस बनाया एक गवाह कहता है बाबाजान बारह बंदूक के साथ थाने की खिड़की तोड़ कर पीछे से आया एक गवाह कहता है बाबाजान थाना के ऊपर से नीचे छलानग मार कर आया एक गवाह कहता है बाबाजान थाने का दरवाज़ा तोड़ कर आया एक गवाह कहता है बाबाजान का अंदर नहीं आया बल्कि कि बार से लोगों के लिए थाने पर हमला करने के लिए उकसाता गया एक कहते कहता मैंने जान को देखा ही नहीं तो उनका एक तज़ाद के तहत इन लोगों ने मुझे तजाद वाली केस में एक बोगस केस में एक झूठी केस में मुझे एक फ्रेप के तहत ताकत के ज़रिए अंदर रखा जेल में मुझे अजियतें देने की कोशिश की गई और मैं अवाम को धरने के शुरा को और अब तक जिन लोगों ने 2011 से मेरे साथियों ने सबसे अहम बात मैं उनको सलाम पेश करता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के तरक्की पसंद कम्परस कोतों को गिलगित बलिस्तान के मेरे अपने पार्टी के अजीम साथियों को अजीम मेरे सीनियर उस्तादों को मेरे नौजवानों को मेरे जूनियर साथियों को कि जिन लोगों ने इस केस को जिंदा रहा था और लड़ते गए लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे बिलख इस हद तक लड़े कि पूरे आवाम के दिल दिल तक हमारा आवाज़ पहुंचाया। फिर आवाम उठ खड़ी हो गई हमारी जो असीरान रहाई कमेटी थी यह हमारी उठ खड़ी हुई उसने तहरीक चलाई फिर धरने का काल दिया फिर धरना लगाया गया ये हमारी रहाई मुमकिन हो गई उन सब मैं सलाम पेश करता हूँ गवाहों के बयान में ही तजाद थे तो आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया मैंने अपने फोरम से चैलेंज किया मैंने हर फोरम पे चैलेंज किया गवाहों के बयान को चैलेंज किया गया दो हज़ार पंद्रह के इंतबाब में मरकज़ी हुकूमत ने जब हम मुकाबले में थे उस वक़्त प्री पोल रिगिंग नए जिनाब वाला इलेक्शन के दिन दिनों में जिला का ऐलान तरह तरह के तरक़ियाती मनसूबे को जनाब वाला सुाना खाब दिला के बिजली के लोड शेडिंग हंजा सेंट्रल हंजा के अंदर पानी के मसाइल हल करने और ये तक कहा कि नहीं हम बाबा जान को तो अंदर है हम खुद उससे जिनाबला रहा करना चाहते हैं आप हमें वोट दे अवाम को दुख दही के जरिए वोट उन लोगों ने लिया उसमें अवाम ने हमें भी बहुत बड़ा वोट दिया हम दूसरे पोजिशन पर रहे तो उसके बाद जिनाब बोला हम हर फोरम पर यह बात चैलेंज करते गए चैलेंज करते, करते गए चलेंज कोई ऐसा फोरम नहीं था तो उसी के बाद जब दूसरे इंत वो हमारे नुमाइंदा किसी और पोजिशन पर गए गवर्नरी के तो फिर उसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने अपने साथ कोई और दारों को भी इस्तेमाल किया करने के बाद ये हमें आ, जब लोगों का उन लोगों ने अपने रिपोर्ट्स देखे होंगे हिमायत हमारे साथ रही तो हमें ताकत के ज़रिए हमें सुने बगैर हमें सुने बगैर हमारे वकला को सुने बगैर जबराना हमें सजा दे के अंदर डाला गया और उसके खिलाफ भी हमने रिव्यू पिटिशन दाखिल की नज़रसानी की अपील दायर की जो अब तक जीर समात है और हमें उम्मीद है हमें इंसाफ कहीं ना कहीं से मिलेगा बेगुनाह को इंसाफ मिलता है नेल्सन मंडेला ने कई साल जेल की सजा पाने के बाद रिहाई मिलने पर कहा था कि मुझे नाकर्दगो गुनाहों के सजा पाने पर गोरों लोगों से कोई नफ़रत नहीं बल्कि मुझे इस इंसाफ सिस्टम से नफरत हो गई है क्या जेल के अंदर भी किसी से या किसी सिस्टम से नफरत का अंसुर पैदा हुआ बिल्कुल हमें ये जो जाबिराना जालिमाना सिस्टम है जो ना इंसाफी का निज़ाम जो कायम निज़ाम है इससे इसको इसके जगह में हम एक मसावत पे मबनी बराबर पे मबनी समाज के क़्याम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारा जो मुतालबा किसी एक स्टूडेंट की तलब ओम का स्कालरशिप किसी एक मरीज़ की इलाज के लिए नहीं होता है हम समझते हैं इस मुल्क का वज़ी अजम जनरल जज और एक गरीब मेहनत कश का बेटा एक हस्पताल में इलाज हो उन सब के लिए मैारी जो है उनको इलाज मालजे की सहूलियात दस्तियाब हों हम हमारी पार्टी ये समझती है कि इस पे हमारे पास तहरीरी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है हम मुल्क के तमाम तबकात एक निज़ाम तालीम के तहत निज़ाम हासिल करें हम किसी एक स्टूडेंट के लिए बात नहीं करते हैं हम तमाम के तमाम बड़े बड़ी की बात करते हैं हम जो है बंद माशत और दौलत का मुनफाना तकसीम हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं किसी फर्द से जिसने हमारे साथ जितना जबर किया हो हमारे ख़िलाफ़ जिसने गवाहें दी हो मतलब कलमें पढ़ के ला अला मोहम्मद और कह कर अदालतों में गवाहें दी हैं झूठी गवाहें जब हम वहाँ हैं हमें उनसे भी मोहब्बत नहीं है हमें तो उनसे भी प्यार है वो हम इंसान हैं उनको एक सिस्टम मजबूर कर रहा है यहाँ बेगुनाहों को सज़ा दिलाने के लिए वो एक सिस्टम उनको मजबूर कर रहा है इस सिस्टम को हम सिरे से तब्दील करना चाहते हैं और तब्दीली के उस तब्दीली के बग़ैर मुल्क के अंदर आप देखते हैं किसी ख़ते में किसी एक ज़िले में किसी एक हल्के से ये तब्दीली नामुमकिन है इसलिए लेकिन तब्दीली की शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी है समझता हूँ यह जो हमारे नौजवानों ने हमारे तलबा ने यहाँ ये जो सुरख़ल थामा है ये जो बराबरी की बात करते करता है ये सुरख़लम के जो साये के अंदर इंसाफ़ की बात करते हैं समाजी इंसाफ़ की बात करते हैं तालीम सीत की बात करते हैं तमाम के तमाम के लिए तालीम की बात करते हैं तो ये इसी इनकलाबीम के ज़रिए से यहाँ से एक इनकलाब शुरू होगा और ये इनकलाब जाके दरियाए सिंध के कोने तक ये इनकलाब फूट पड़ेगा यह हमारी कवि उम्मीद है आपके जिंदगी के कीमती के दस साल जेल में जाया हो गए आप इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये जो मेरे इतने क़ीमती साल हमारे पूरे तिहत्तर साल के अंदर से मुल्क तिहत्तर साल के अंदर मुल्ल मफहकुल हाल अवा गिल गत बल्दिस्तान के मजबूर महकूम अवाम ये ालमाना निज़ाम को सह रहे हैं यहाँ ये इसके तले ये पिस रहे हैं तो इसमें मैं समझता हूँ कि जिस जिसने ये म किया हमारे क़ीमती साल जेलू में हमारे ज़ाया कराए उसको मैं जाया नहीं समझता हूँ यह मैं कौम के लिए उन लोगों ने एक बहुत बड़ी दौलत दी है बहुत बड़ी तब्दीली लाई है मैं ये समझ नहीं सकता था मैं रात को नौ बजे जेल से हमें रहा किया गया मैं सुबह छः बजे यहाँ अपने घर पहुँचा हंजा अलियाबाद जाके जगह जगह लोग मर्द खुवान औरतें बैठी थी तो एक नज़रिया मेरे साथियों ने जब मैं जेल में था तो मेरे साथियों ने वो नज़रिया फैलाया जो मेरा मकसद था मेरे साथियों ने नजरिया फैलाया और नजरिया इस हद तक फैलाया कि आज बच्चा बच्चा बोल रहा है उसको मैं जाया नहीं समझूंगा बल्कि ये एक बहुत बड़े इलाके में तब्दीली का पेश साबित होगा ये सर दस साल आप जेल में रहे हैं तो कुछ आपकी तलख यादें भी होंगी और कुछ अच्छी यादें भी होंगी जो हमारे ना सुनना ज़रूर पसंद करेंगे जेल के अंदर बहुत सारे तलख दिन भी आते हैं उसमें कई एक बार आपके ऊपर बेजा तीसरे तक दो अलग ग्रुपों की लड़ाई होती है पोर्शनों में आपके ऊपर बेपना तशद होता है और उसके साथ जो वो अहम तश्द भी अहम नहीं है जो मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर जब हम होते हैं उसमें यहाँ हमारे अजीज़ व अकारीब हमारे लोग आसम जहांगीर जैसे लोग हमारे फानूस गुजर हमारे हसन यासू याकूब अच्छा इधर से मेरे मामू मेरे ताया इस तरह से कई एक हमारे दोस्त अजीज़ व अकारीब जब इस दुनिया से रखलत कर जाते हैं उस वक़्त फिर आपको रहाई भी नहीं मिलती है चंद घंटों के लिए आ, कानून में होने के बावजूद रहाई भी नहीं मिलती है तो वो आपके लिए तलख दिन होते हैं और साथ साथ जेल के अंदर हमें हर लम्हे पर हम किसी कैदियों के लिए खदमत की कोशिश करते थे इज्जमाही तौर पर उनके मुश्किल में बहुत सारे कैदियों के लिए वहाँ कोई अगर पढ़ते हैं इम्तहान के लिए उनके फ़ीस नहीं है तो मेरे पास आते मेरे पास भी दो सौ चार सौ पाँच सौ रुपये होते फिर वो मैं उधर डालता चंदा फिर तमाम क़ैदियों के पास स्टाफ के पास जाके मैं पचास पचास बीस बीस, बीस रुपये चंदा करके उसका इम्तहान कराता किसी क़ैदी का इलाज के लिए कोई दवाई नहीं है मिसाल के तौर पर और पर ये जो हवालाती कैदी होते हैं जो एक दो किस्म के कैदी होते हैं जेल में एक कन्विक्ट जो सज़ा याफ्ता है उसके लिए तो हुकूमत कुछ दवाइयां भी या दवाइयां नहीं दिया तो कम अज़ कम उसको हस्पताल ले जाकर लाने में कुछ मामला करते हैं दवाई देते हैं तो बाकी जो जिनका केस जी समात है अंडर ट्रायल है उनके लिए दवायाँ नहीं मिलती हैं अगर आगे हॉस्पिटल जेल के ओपीडी में थोड़ी बहुत दवायाँ हैं उसके अलावा कोई दवाई उनको नहीं मिलती हैं तो उनकी दवायाँ दिलाना या कोई ऐसा ग़रीब कैदी है जो अदालत तक रहा है, रसाई नहीं है उसकी नामुमकिन है हम चंदा करते उसके लिए कोई वकील पकड़ते किसी ह्यूमन राइट्स के वकला हैं बहुत सारे हमारे यहाँ उनको हम अपील करते कोई ख़त भेजते यार इस तरह से कि एक मजबूर कैदी है इसका आप केस लड़ें तो वो केस लड़ता फिर इस तरह से कई और मामिलात होते कोई कैदी दूर दराज के के पी के के पंजाब के कैदी रहा होता अब उसके पास टिकट नहीं होता तो फिर हम परेशान होते इधर उधर जाते इधर से पचास निकालते इधर से सौ निकालते इधर से दो सौ निकालते उसके घर तक हम पहुँचाने के लिए जो है वो हम किराए का एहतमाम करते थोड़ा पॉकेट के मनी के साथ कोई उसके लिए गिफ्ट लाते यही बहुत अच्छी यादें हैं जेल के अंदर हम कई बार मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स का इनका करतेमंद न सर सेहतमंद सरगर्मियों के लिए वॉलीबॉल वाल के और तो इस तरह से यही बहुत अच्छी यादें हमारी वाबस्ता हैं माशाल्लाह सर आप जेल में रख के भी लोगों उनकी खदमत करते रहें पूरे गिलगित बल्दिस्तान से लोग आपको मुबारकबाद देने के लिए नासिर आ रहे हैं और इन में से चंद आपके मुखालफन भी हैं क्या आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप सिर्फ हंसक के नहीं बल्कि पूरे गिलगित बल्दिस्तान के एक लीडर के हैसियत से सामने आए हैं हमारा तो कोई मैं तो अपना कोई मुखालिफ नहीं समझता हूँ हमारे कोई दा, बाप दादे की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ना किसी ने हमें मारा ना हमने अलबत्त हम गिलगित बल्दिस्तान की दिफा के लिए हंज की दिफा के लिए हमारे दादू का बैरूनी हमलावरों के खिलाफ लट लट कर इस धरती में शहादतें हैं बा किसी अवामी फ़र्द के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है एक तो ये बात है उस किसी को हम अपना मुखालिफ नहीं समझते हैं ठीक है उनके समझने का पैमाना थोड़ा बाद में आएगा तो इस वक्त वो कुछ ना समझी से इधर उधर कहीं पे भी हैं तो ये गिलगित गित के सारे अवाम हमारे अपने ही हैं और दूसरी बात यह है कि हम आ, वो लोग हमारे साथ यहाँ हमें प्यार देने यहाँ आ रहे हैं हमारे खुशियों में शामिल होने आ रहे हैं तो हम उन सबका शुक्रिया अदा अदा कर रहे हैं वो रहा सवाल गिलगित बल्दिस्तान के लीडर का तो मैं अदनासा अपने आप को गिलगित बल्दिस्तान के खादिम एक ख़दमतगार एक एक सा कारकुन समझता हूँ मैं सर क्या आपको इलम है कि आपकी रिहाई में किन का किरदार ज़्यादा अहम रहा मेरी रहाई के अंदर मेरी पार्टी का, रहा, असीरान रहाई कमेटी का और हंजा के अवाम का यत बल्दिस्तान के अवाम का जिन लोगों ने धरने दिए धरने में शिरकत किए उस धरने के हिमायत में धरने दिए मुल्क के अंदर जो है अवमी वर्कर पार्टी का आज़ाद कश्मीर के लेफ्ट का जिनाब वाला ये आ, किसान रब कमेटी का जनरल सेक्रेटरी फारूक तारक लोगों का मारली लोगों का कराची से नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नासिर मंसूर लोगों का तो यह सब साथियों का एक अजीम जो है ये दस साल में किरदार रहा और आसिमा जहांगीर का अहम किरदार रहा हमारा मरहूम पार्टी का चेयरमैन था कल उसकी बरसी थी, थी। तो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की तनजीमें लेफ्ट की तनजीमें कॉमपरस तनजीमें अफरासिया खटाक सैनीटर जो ह्यूमन राइट कमेटी का जो चेयरमैन था उसके साथ फरतुल्ला बाबर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी इस पूरे अमल में कौमी असम्बली का मैं मेंबर है अली वजीर मोहसिन दावड़ ये हमारे रियाज फ़तेहाना कौमी इसम्बली के मेबर हैं तो ये इन सब का और इसके अलावा जिन जिन का मैं नाम हो सके यहाँ मैं कवर नहीं कर पाऊँ प्रोफेसर नॉम चोमस्की का जो दुनिया का बहुत बड़ा दानश्वर है इन लोगों ने राही के लिए हमारी स्ट्रगल की ये प्रोफेसर कलंदर इस तरह से तारक़ अली और दुनिया के बहुत बड़े जनाब वाला दुनिया के मुफ़िर सियासी रहनुमाओं इंसानी हक़ूक़ की तंजीमों के अमल अलमबरदारों इन सबका बहुत अहम डिसाइसिव रोल रहा पूरे दुनिया भर के कामरेडों का रोल रहा के ज़िंदा रही और हमारे बिल आखिर इसमें जनाब असल माहर साबित कर दिया हंजा के धरने ने उस धरने के हिमायत में गिलगित बल्दिस्तान में दुनिया भर में धरने हुए उसी धरनों की वजह से पावरफुल और अवामी एक शदीद दबाव के नतीजे में हमारी रहाई मुमकिन हो गई मैं उन सबको जिस जिसने हमारी रहाई के लिए किरदार अदा किया मैं उन सबका शुक्रिया करता हूँ उनको मैं सुरुख सलाम पेश करता हूं और और सर आपकी रिहाई में केयर टेकर अली के, के शेख करीमी और, और देगर ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया इस हवाले से आप क्या कहेंगे उन सब ने इनके अहम किरदार अदा किया जिन, जिन का आपने नाम लिया रीजनल काउंसिल ने भी अच्छा रोल प्ले किया मुस्बित किरदार अदा किया इस बार और ये हमारे शेख मशा करीमी साहब है खतीब मस्जिद अली ये दो हजार से मुखलि खुबात में पूरे नगर के अंदर मुख्तलि खुतबात में छल के लमाए पूरे नजर के गिलगित बल्दिस्तान के दियामर केमां और इन लोगों ने सब ने आगारातलैनी ने कज़ी निसार साहब ने सब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया गत बल्दिस्तान में धरने हुए और उसके साथ साथ निगरान हुकूमत हमारे जो डी आई जी मीर अफज़ल साहब वजर अल हैं निगरान वजी उसके साथ उसके जो टीम थी उन सबका मुसबित किरदार रहा उन लोगों ने जदवेद किया उन लोगों ने अपना इनपुट डाला और फाइनल जो आखिरी फैसला था हमारी रहा का जो ये छोटी रहा हुई है इसमें भी उसका अपना दस्तखत शामिल है उसके अहकाम है उसके अहकाम के रोशनी में हम रहा हो गए सर क्या आप सियासत में मजीद किरदार अदा करेंगे मैं समझता हूँ पहले से भी बेहतर अंदाज में मुसबित अंदाज में और पहले से भी जामा अंदाज में मेरी जद जहद जारी वो सारी रहेगी आप उताप के साथ हम आवाम के लिए लड़ते रहेंगे आवाम के साथ लड़ते रहेंगे आवाम के हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे और यही हमारा ज़िंदगी का सबसे अहम जो है मिशन है सर uh, सुना है कि नगर के सीट पर जमने इंतख्या होने की सूरत में आपको वहाँ से इलेक्शन लड़ने की पेशकश की गई थी कहाँ तक इस बात में सदाकत है मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा नगर चार के नौजवान मेरे रास्ते में आए थे वहाँ रोक के मुझे दावत दी थी और उसके साथ ये मेरे घर में आके और जब मैं नगर में गया उसके बाद यहाँ घर में कई वफूद आके हल्का चार के मुझे अलेक्शन लड़ने की दावत दी मैं समझता हूँ कि हमारे इनकलाबी नगर चार में नगर पाँच में गलगित माह हर जगह मौजूद हैं नगर चार से ही उनके इस पैगाम पर पे मैं उनका बहुत तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उम्मीद रखता हूँ कि वहाँ से हमारी मुकामी क्यादत उभरेगी और मुकामी क्यादत वहाँ के मामलों संभालेगी आइंदा इंतबाब में क्या आप हिस्सा लेंगे अभी तक तो इंतबात में हिस्सा लेने के लिए फ़िलहाल मैं मेरी सजा जो है मअल हो चुकी है मैं इक्विटल नहीं हूँ मुझे उम्मीद है अगर हम बाज़त बरी होंगे तो उसके बाद मेरी पार्टी फ़ैसला करती है पहले 2015 के इंतबात में भी मेरी पार्टी फैसला करती है कि हमारी पार्टी जो फैसला करेगी हमारे मेरे साथ सारे साथी मुझसे तेज़ मुझसे बहादुर और बेहतर अंदाज में बात करने शायरी करने तकरी ख़दमत करने के लिए हमारे पार्टी पार्टी में बहुत सारा जो है इनकलाबियों का लीडरों का एक लाठ पड़ा हुआ है अगर पार्टी मुझे समझती है कि आपको टिकट देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा पार्टी समझेगी मेरा इकराम जमाल को टिकट देगी मेरा अख्तर अमीन को देगी हमारा आसिफ सखी को देगी ल्फ़ार को वाजिद को जिस किसी को भी नवीद को जिस किसी को भी पार्टी टिकट देगी कई हमारे खातिन रहनुमा हैं कोई खातून रहनुमा को टिकट देगी हम उसके लिए कंप्लेंट करेंगे लोगों के पास जाकर उसके लिए वोट मांगेंगे सर क्या आपको भी दूसरों की तरह गिलगित बल्दिस्तान असम्बली जाने का शौक़ है ए, ये गिलगित बल्दिस्तान असम्बली में शायद मैंने ये जवाब दिया था आपको अगर मेरा शौक़ होता तो लोगों की तरह में आज़ाद भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हमारा किसी साथी का असम्बली में जाने का शौक़ नहीं है आवाम की खदमत का शौक़ है अब सेंट्रल हंजा आप देख रहे हैं अपर हंजा आप देख रहे हैं बिजली की जो ये एहसाफिका लोड शेडिंग आवामी मुश्किल हस्पताल के अंदर जनाब डॉक्टर्स नहीं यही सूरत हाल पूरे गिलगित बल्दिस्तान में नगर में ये सारा सूरत है हम आवाम के मसाइल का हल चाहते हैं तो हमारा जद जद के लिए है असम्बली में जाके कोई इस तरह का हमारा ज़्यादा शौक़ नहीं है ये कोई ज्यादा अहम भी नहीं समझते हैं तो हम समझते हैं वहाँ हमारे कोई भी साथी जाएगा तो अपने लिए माल नहीं बनाएगा बल्कि आवाम की खदमत करेगा सर क्या आपको खौफ है कि आने वाले वक्त में आपको दोबारा गिरफ्तार करेंगे बाबा जान को गिरफ्तारियों से कोई खौफ़ नहीं होता नंबर एक हम कोई गलत काम करते नहीं हैं और हमें उम्मीद है हम इज़त बरी होंगे से। आने वाले वक्त में आप कैसा और कैसा गिलगित बल्दिस्तान देखना चाह रहे हैं गिलगित बल्दिस्तान का जो मुस्तकबिल है बहुत ही अहम होता जा रहा है तो इसमें और नौजवानों की इस आ, इसको अहम बनाने में इस गिलगित बल्दिस्तान की तब्दीली में नौजवानों का किरदार मुझे नज़र आ रहा है तो जब तलबा तलिबा गिलगित बल्दिस्तान के अपना हिस्सा डालेंगे तो यित बल्दिस्तान का मुस्तबिल बहुत ही बेहतर रहेगा सिपेक से अभी तक गिलगित बल्दिस्तान और खसूस हंसक को कुछ नहीं मिला क्या आने वाले वक्त में क्या आप समझते हैं कि गवादर और दूसरी जगहों की तरह मेगा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ये ग्वादर में भी कोई हमें मेगा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा है और गिलगित बल्दिस्तान में तो एक रुपये का प्रोजेक्ट नहीं है ग्वादर में आपको पता होगा एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ इन लोगों ने दिया है तो ये आप पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के, के वेबसाइट पर आप देखें तो गिलगित बल्दिस्तान के लिए एक रुपये का प्रोजेक्ट नहीं है एक रुपये का तो इसमें इस हवाले इस से हम समझते हैं यहाँ पे जो माहौलियात में तब्दीली आएगी यहाँ जो हमारा पहाड़ों का बर्फ़ पिघल जाएगा मेल्टिंग होगी तो इससे कितना बड़ा फ्लड आएगा तूफ़ान उभरेंगे और और कई नुकसान होंगे तो इसके अदराक के लिए हम इसमें पार्टी के साथ मिलकर अपना गिलगित बल्दिस्तान के लोगों के साथ मिलकर हम इस्लाम आबाद से बात करेंगे इस्लाम आबाद को पैगाम देंगे कि इस तरह से लोगों को आप गत बल्दिस्तान के लोगों को ज़रा इंसान समझें बरा बरी के लोग समझे यहाँ से एक रुपए का मंसूबा दिए बगैर एक सड़क बना के ले गए हैं यहाँ एक रुपए का मंसूबा नहीं है तो अभी तक तो हमें कोई ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है अलबत् टीवी में नाम तो दिया जा रहा है में, ये मनसूबे वो मनसूब है फिलहाल कोई मनसूबा नहीं है क्या आने वाले वक्त में क्या आप समझते हैं कि कुछ हमें देंगे या गिलगित बल्दिस्तान के लोग मिलेंगे तो लेंगे ये गिलगित बल्दिस्तान के लोग इतफाक करेंगे नौजवान मिलेंगे तो लेंगे अब कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है उनमें इंसाफ़ नहीं है वहाँ के जो अपने हल्कों से वहाँ वोट ले कर उधर मुंतखब हो रहे हैं उनका हाल उनका पुरसाना हाल नहीं वो इतने मुश्किल में हैं अमीर लोग तो कहाँ से कहाँ दुबई में जा कर तुर्की में यूरोप में इलाज करा रहे हैं गरीब लोगों के लिए खाने की दो वक्त की रोटी नहीं है तो अपने अवाम को नहीं दे रहे हैं तो ये इसलिए हम पूरा ये सिस्टम जो है ये सिस्टम नाकाम हो चुकी है सिस्टम इसलिए हम एक सोशलिस्ट इनकलाब के लिए बात कर रहे हैं एक सोशलिस्ट पाकिस्तान के क्याम की बात कर रहे हैं सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं तो इस सिस्टम में वो हर बंदा चाहते हैं मेरे हल्के में मेरे सूबे में लगे काम प्रोजेक्ट्स हर बंदा इंसाफ की बात नहीं है यहाँ इसलिए तो हम इंसाफ के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं जेलों में जा रहे हैं बेगुना हमने कुछ किया भी नहीं ले जाके दस साल जेल में डालते हैं वो इसलिए कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं जी। वजीर अजम ने गिलगित बल्दिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए एक और कमेटी बनाने की बात की है कमेटियों पर कमेटियां बनाने की बजाय सरताज अजीज कमेटी की सिफारिश पर क्यों अमल दरामद नहीं किया गया क्या इससे गिलगित बल्दिस्तान के अवाम में बददली पैदा नहीं होगी गिलगित बल्दिस्तान के अवाम के जो है दिलों में अभी इनकलाब का जज्बा उबर रहा है बदली अभी कम हो रही है ये सरताज़ीज़ की कमेटी में भी कोई गिलगित बल्दिस्तान के लिए इस सच ऐसा कोई वहाँ पर सुहाना खाब नहीं था ना कोई ऐसा अमली तौर पर को मामला थे तीन मुबसर कौमी इसम्बली में तीन मुबसर सेनेट में छः गंगू को भर्ती करने की बात थी ना तो हम समझते हैं यहाँ गलगित बल्दिस्तान के लोग मिलकर जो है अको मुतहदे के करारदू के मुताबिक गलगित बल्दिस्तान को और जिना बुनियादी आइनी हकूक़ की फरहमी फ्राम, की हम बात कर रहे हैं रहा सवाल अब जो अबूरी सूबे के लिए ये कमेटियाँ अब कमेटी में तो गिलगित बल्दिस्तान का कोई है नहीं कमेटी पर सवाल उठेगा ना गिलगित बल्दिस्तान के लिए तो ये इस तरह से पहले की तरह जो नवाज़ शरीफ साहब ने या और हुकूमतों ने पाँच साल ज़ाये किए तो ये भी पाँच साल ज़ाया करेंगे मोहतरम इमरान ख़ान साहब हमारे जो ये वज़रा गिलगित बल्दिस्तान काउंसिल के चेयरमैन हैं वो भी इस तरह पाँच साल हमारे ज़ाया करेंगे लेकिन अभी हम जो समझ रही है कि वहाँ से गिलगित बल्दिस्तान के लोगों को ये मजीद नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं लोगों को ये हकूक़ देंगे हमें ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी गिलगित बल्दिस्तान के नौजवानों के अंदर जितना तेजी से शूर फैलेगा इतना वो हमें हकूक देंगे गिलगित बल्दिस्तान के अहम इशूज क्या हैं? गिलगित बल्दिस्तान का बुनियादी अहम इशू ये सियासी मसला है आइनी मसला है और उसके बाद यहाँ पर जो माशी मसाइल हैं उसके साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है गिलगित बल्दिस्तान के हमारा ये जो हम जदोज कर रहे हैं देखो बल्दिस्तान से क, क, ये जो खरमंग डिस्टिक और आगे ये खपुल से जो तारीख़ी रास्ते हैं हनजा और यह करगिल लद्दाख के साथ उनके हन्जा और गज़र से जो वस्ते शक के साथ हमारे कदीम तारीखी जो रियासतें हैं उन तारीखी तजारती रास्तों की बहाली की हम बात कर रहे हैं और इन कैसे पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए काबू पाया जाता है ये असम्बली के जरिए करदात के जरिए भी हो सकता है ये असम्बली जो हमारी असम्बली है इसमें यह भी बेहतर किरदार अदा कर सकती है कहा जाता है की हाल ही में जंगलात के तहफ के लिए टिबर ऑर्डीन नाफिज किया गया है क्या इस टिंबर माफ़िया पर काबू पाया जा सकेगा क्योंकि इस माफ़िया के पीछे बासर अफराद ही हैं ये जो जंगलात के हवाले से यहाँ तो यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जंगलात हैं द्यामर में उसके अलावा कहीं जंगलात है नहीं और यहाँ पे जंगलात उगाने की ज़रूरत है ये आर्डिनेंस के बजाय यहाँ जंगलात उगाने के आधार बनाने की ज़रूरत है जिस तरह से वहाँ बिलियन सोनामी ट्री जो प्रोजेक्ट है इस तरह से आपके सामने ये पहाड़ देखे यहाँ कोई दरख्त नहीं है यहाँ इस मौसम के तहत साल भर हरे रहने वाले यूनीपर देवदार और ये काइल जैसे दरख्तों को उगाने की ज़रूरत है और उनको बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ तो उनके जरिए इनको उगाने का दारे बनाने की जरूरत है ताकि यहाँ का माहौल माहौलिया जो है आलोदगी भी से हम बच सके पहले आप आवामी वर्कर्स पार्टी में शामिल नहीं थे फिर बाद में आपने क्यों इस पार्टी में शमूलियत की हम हमारी लेबर पार्टी थी पहले लेबर पार्टी आवामी पार्टी और वर्कर पार्टी मिलकर इसको मर्ज करके एक पार्टी बनाया पाकिस्तान लेवल पे तो इसलिए हमने उन तीनों को मिलकर उसका नाम अवामी वर्कर पार्टी रखा ये 2012 में और 2012 से अब तक मैं अवामी वर्कर पार्टी में हूँ और रहूँगा आखिर में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को मैं ये पैगाम दूंगा कि अवाम हक और सच का साथ दे हक और सच को पहचाने बिलखूस नौजवान तलबा और तलबात जब तक ये हक और सच को नहीं पहचानेंगे हक और सच का साथ नहीं देंगे कोई तब्दीली या इनके कोई मसाइल हल नहीं होंगे बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जान 1247 ट्वेंटी फोर सेवन को टाइम देने के लिए ओके थैंक यू शुक्रिया आपका थैंक यू सर